यह है कि सारे जा रहे हैं गाड़ी पे और अगर मैंने चलाई तो ना ही पूछो। प्रैंक किया कि मतलब मैंने कहा कि मुझे लड़की पसंद आ गई, लेकिन जब बोला मुझे तब भी मेरी हंसी निकल गई और अम्मी को ऑब्वियसली पता चली। ढोल शोल बज रहे यार, तैयारी शायरी बिल्कुल जबरदस्त हो गई है। इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए, बाद में आ जाते ना कर लें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, यू आर मोस्ट वेलकम। आज का सीन ये है कि मैंने जाना है निकाह पे, एक छोटा सा फैमिली इवेंट है। तो हम कोई मसला नहीं है, असल में सारे जा रहे हैं गाड़ी पे और मैंने बोल दिया मैंने नहीं जाना गाड़ी पे। असल में मैं चाह रहा था कि मैं बाइक पे जाऊँ, क्योंकि अगर मैं इनके साथ गया तो मुझे मतलब जितनी देर सारों को रुकना पड़ेगा उतनी देर मुझे भी रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता था कि मैं जल्दी मतलब जब दिल करे मैं आ जाऊँ, इस तरह लिमिटेड बाउंड नहीं होना चाह रहा था। और अभी का सीन ये है कि पर मेरी सारों के साथ बनती भी नहीं है, मुझे ये भी है बहुत थोड़ों के साथ मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। तो अब क्या करूँ, मतलब आज का व्लॉग पता नहीं कैसा बनेगा मेरे से, आई डोंट नो। छोटा सा इवेंट है, उसके अंदर मैं सारों को लाने का मेरा दिल भी नहीं करता वैसे। तो देखते हैं आज के व्लॉग के अंदर वैसे क्या सीन होता है। आज वैसे मैं लैपटॉप अपना खोल के ना कुछ सोच रहा हूँ कि ना हम लोग ना कुछ काम शाम भी शुरू कर लें यार, अभी यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है देखो। तो अगर हम लोग कुछ, आप लोगों को बताता हूँ, हम कोई काम शाम करेंगे ना तो ज़्यादा सिस्टम बेस्ट रहेगा। मतलब यार ये व्लॉग तो ठीक है, इसके साथ अगर हम कोई स्किल वगैरह पे भी काम करना शुरू कर देना तो भी बेस्ट रहेगा। तो ऐसे ही मैं रैंडम देख रहा था चीज़ें, तो मैं ऐसे मैं अपना चैनल भी देखता रहता हूँ, हाँ ठीक है ना। तो मैं वैसे रैंडम देख रहा था यार कि कोई चीज़ पे काम करूँ, तो अभी मेरे पास ना वैसे 4 सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं, ठीक मतलब SCO के, लेकिन उसके अंदर जो इशू आ रहा है उनके टूल्स एक्सपेंसिव हैं। इस पर मैंने हर चीज़ पे इतना पासवर्ड लगे हुए हैं मेरे, मुझे खुद कभी कभी भूल जाते हैं। लेकिन आई हो फिट नहीं लगा, फिट लगता गलत लगा दिया, ओके हाँ खुल गया। तो मैं अभी आप लोगों को अपने कुछ दिखाता हूँ, मेरे पास सर्टिफिकेट्स काफ़ी पड़े हुए हैं। तो ये देखो मेरे पास ना काफ़ी सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। तो ये वाले जो सर्टिफिकेट्स हैं इनको मैं चाह रहा था यूटिलाइज़ करूँ, कुछ SCOs के सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ सोशल टैक्टिक्स की हैं थी मैंने। मैं आप लोगों के साथ ना जब मैं वीडियो ब्लॉगिंग कर रहा होता हूँ चीज़ें, तो मैं साथ में कुछ और चीज़ें नहीं कर रहा होता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, पर उनको दिखाने का टाइम नहीं मिलता। तो आज का सीन ये है कि आज हम तो बेसिकली जाएंगे उनका पे। लेकिन मेरे पास ना मैंने एक बाई की थी, मैं देखा हो देखो मुझे बताओ इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ। लेकिन मैंने ना अम्मी से पूछ के आता हूँ, ठीक है देखें। अम्मी ये वाली आने क्या, ये वाली यार वो घर के अम्मी कह रही है ये वाली यार उतार दे, बात सपने वाली पहन। तो अम्मी के साथ ना मैं छोटा सा प्रैंक करने की ट्राई करूँगा, शायद हो आई हो सो, अगर हो सका मेरे से तो देख। तो अम्मू के सामने ना इस मैंने कभी प्रैंक नहीं इस तरह किया, उनको कैमरे के बारे में थोड़ा सा नहीं बताया। अम्मी अम्मू अगर अभी आती है ना तो मैं, वो असल में बिजी हैं बात बताने, मुझे ना एक लड़की पसंद आ गई। अम्मा को पता चल गया, उन्होंने पहले क्या है चुप कैमरा देख लिया उन्होंने। प्रैंक किया कि मतलब मैंने कहा कि मुझे ना लड़की पसंद आ गई, लेकिन जब बोला मुझे तब भी मेरी हंसी निकल गई और अम्मी को ऑब्वियसली पता चल गया कि मैं मजाक कर रहा हूँ, और उन्होंने आगे बोल दिया कि मैंने लेके भी नहीं दे रही। ओए मैंने लैपटॉप बंद कर दिया गलती से, इस तरह मेरे साथ मुझे भी आगे से तंग कर रही हैं। तो आगे का पता नहीं, आगे कोई फ़न होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी से ही मेरे साथ शुगल हो चुका है। लैपटॉप बंद करते हैं, देखते हैं आज निकाह पे कोई मज़े की चीज़ होती है तो ठीक है। ढोल शोल बज रहे यार, तैयारी शायरी बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। मैं आप लोग को ना अपने कज़न से तो मिलवा देता हूँ, इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए, बाद में आ जाते ना कर लें। यह है कि सारे जा रहे हैं गाड़ी पे और अगर मैंने चलाई तो ना ही पूछो, मैं अपनी बाइक पे ही जाता हूँ, सारों को इस पे जाने देता हूँ। एंड पे मैंने बचना था, मैंने पहले बोला था इसलिए मैं अपनी बाइक ही निकालता हूँ। बहुत मिट्टी है इस पे, लेकिन इसको मैं साफ कर लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। मुबारक हो यार भाई, पहले मेरे साथ तो आ जाए। अच्छा यार ना
ये तो था आज का दिन। वैसे मेरा अम्मी अबू के साथ मजाक चलता रहता है, वो मेरी किसी बात को बुरा नहीं मनाते और उनको पता है कि मैं फन बयान के साथ मजाक करता रहता हूँ, लेकिन कैमरा के सामने नहीं मजाक किया था, वो पहली दफ़ा ट्राई किया और पहली दफ़ा ही फेल हो गया। तो उसके अलावा सीन ये है, मैं कहना चाह रहा कि ना यार ना हम लोग ना कुछ स्किल वगैरह पे भी काम करना चाहिए हम लोगों को ना, अगर हम लोग, मैं इसको कैरियर नहीं अपना कह रहा कि मतलब मैं यूट्यूबर एक बहुत अच्छा बनूंगा या मैं अपने आप को अभी से कह दूं मैं एक बहुत अच्छा यूट्यूबर हूं, फिर अभी बात गलत है। मैं वह खुद मानता हूं मैं अभी बहुत अच्छा यूट्यूबर नहीं हूं, बहुत मतलब इतना अच्छा भी नहीं हूं, बुरा भी नहीं हूं, बस दरमियाना सा अपने आप को खुद ही कह रहा हूं। और अगर अभी मीन अपने कैरियर के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मतलब कोई ना कोई स्किल करनी पड़ेगी, और अपने जो मेरे बस शौक है यूट्यूब पे काम करने का, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं काम करता हूँ। तो एक तो मुझे इधर काम करना है, उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ हम लोग मिलके ना किसी स्किल को सीखते हैं, या फिर आपको जो अच्छी लगती है, आप अभी यूनिवर्सिटी की क्लासेस होंगी तब हम लोग काम कर पाएंगे, कुछ नया सीखेंगे ना, कि डेली मैं इतना ज़्यादा फन भी नहीं करता ना ही मैं इतना ज़्यादा घूमता फिरता हूँ, मतलब घूमने फिरने का मुझे बहुत शौक है लेकिन ये नहीं कि मैं हर टाइम घूमता फिरता रहता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन अब कोशिश करेंगे हम लोग कि नेक्स्ट और अच्छा चीज़ें करें। तो आप लोगों को अगर अपने भाई के साथ लिंक होना है, जस्ट ओनली आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ कनेक्ट हो जाना है, और कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे।